असलकम आपको वेलकम करती हूँ मैं एक और नई किस्त में मीशत की सूरत हाल डॉक्टर अली सलमान के साथ मेरा नाम सुमरा वसीम है आज हम बात करने लगेंगे इस पिछले हफ्ते में और इस हफ्ते में जो जो नई सूरत हाल और नए नए डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स की टर्मिनेशन और जो मददे होने जा रहे हैं उनके हवाले से कैसे हैं आप डॉक्टर सलमान जी सर कल ही ये खबर आई थी कि वफाकी काबीना जो है वो आई पी पी के साथ पाँच आई पी के साथ जो माहे हैं वो ख़त्म करने जा रहे हैं जिसमें हबको एटल्स दो तीन और हैं उनके साथ वो ख़त्म करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि रिविजन आएंगी इन अग्रीमेंट्स में जिसकी वजह से टैरस में रिडक्शन आएगी तो आपको क्या लगता है कि आई पी पीज़ की कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने से हमारा जो पावर सेक्टर एनर्जी सेक्टर जो है उसके रिफ़ॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं ये बचत सही में बचत सस्टेनेबल रहेगी या हमें आखिर में एक दो साल बाद दोबारा इन पर रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा जी फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो आई थिंक ये हमारा जो एनर्जी गवर्नेंस के अंदर बहुत चैलेंजेस चल रहे हैं काफ़ी अर्से से ख़ास तौर पर आई पी पीज ने बिजली की प्रोडक्शन में एक अहम रोल प्ले किया है लेकिन चूंकि उनके साथ हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ये है कि उनको हमें एक फ़िक्स कैपेसिटी के मुताबिक पे करना पड़ता है जिसकी वजह से जो बिजली हम नहीं इस्तेमाल कर रहे उसकी भी पेमेंट करनी पड़ती है तो इसमें लेकिन मुख्तफ अदवार में आई पी पीज लगे नाइनटी नाइनटी फोर में लगे दो हज़ार दो में लगे दो हज़ार पंद्रह में लगे और उनकी जो आम तौर पर जो मदत होती है वो पच्चीस साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है यकीन उसमें से कई आई पी पीज ऐसे हैं जिसमें आप कुछ लोग कुछ आई पी पीज का आपने कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज का नाम भी लिया तो उन वो अपने टेनओवर पूरा कर चुकी और काफ़ी अर्से से ये आ, आ, ये तजवीज़ थी कि उनका आ, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया जाए और हुकूमत उनको टेक ओवर कर ले आ, या उनको प्राइवेटाइज़ कर दें। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है इस पर हुकूमत और जो आ, विफाकी वज़ी हैं एनर्जी के अवैस नगारी साहब वो मुबारकबाद के मुस्क हैं कि उन्होंने एक जो अखबार के मुताबिक अच्छी खुश स्लूबी के साथ ये मामला तय किया है इसे यकीन एनर्जी कॉस्ट जो हमारी पड़ी पर, 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 है सार्फी के ऊपर उस पर एक पॉजिटिव असर पड़ेगा कितना असर पड़ेगा ये अभी नंबर हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें मुख्तलिफ आज जो वज़ी साहब थे वो तो कह रहे थे कि बीस से तीस रुपये इवेंचुअली इस सर्दियों में हम कम कर देंगे क्योंकि बहुत बड़ी डिवेलपमेंट होगी लेकिन अभी अभी अ, कोई नंबर देना कबल इस वक्त होगा सर तो ये अगर ये पाँच आई पी पीस ख़त्म कर देते तो इनकी जगह और क्या मतलब मुतबाद क्या है जी इस वक्त तो देखें हमें इस वक्त इसकी ज़रूरत नहीं है यानी हमारे हमारे पास जितनी इस वक्त डिमांड है उसके मुताबिक ऑलरेडी प्रोडक्टिव कैपेसिटी तो उससे ज़्यादा है सही और ख़ास तौर पर चूँकि हम विंटर में जा रहे हैं तो विंटर में हमारा जो आ, वैसे भी बेस लोड के पास पहुंच जाएंगे जो हमारा दस बारह हज़ार मेगावाट के करीब हम आ, आ जाएंगे हमारा जो डिमांड है सो so, फौरी तौर तो पर तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और चूँकि हम रीन में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं सोलर भी ऑनलाइन आ रहे हैं तो इन द लॉन्ग रन हमें इनके पाइपलाइंस के इन इन प्लांट्स को बंद करने से फौरी तौर तो पर हमें फ़ायदा होगा फाइनेंशली लेकिन प्रोडक्शन वाइज हमें कोई इसका नुकसान नहीं है सरकार चाह रहा है कि सेल्स टैक्स की आवेजन की जा रही है तीन अशार्य चारिलियन डॉलर की आ, सिर्फ चौदह कंपनीज रजिस्टर्ड है तो और ये ब्लेम पुट किया जा रहा है बिजनेस पे वो टैक्स नहीं फाइल कर रही रिटर्न सही नहीं आ रहे तो ये सच में बिजनेसिस की गलती है या एफ पी आर की गलती आपको लग रही है काफ़ी सार्टनिंग रेवोल्यूशन आए फाइनेंस मिनिस्टर के उन्होंने कहा है अपनी प्रस कॉन्फ्रेंस में कल कि हमारा जो मैनुफरिंग सेक्टर की उन्होंने अगर बात की है कल और उसमें उन्होंने बताया कि सिर्फ पंद्रह परसेंट कंपनीज़ हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं सेल्स टैक्स में और उनके मुताबिक थ्री ट्रिलियन रुपी से ज़्यादा का सेल्स टैक्स फ्रॉड है उन्होंने उन लफ्स इस्तेमाल किए और ज़्यादातर उन्होंने इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट की बात की है कि वो कंपनीज़ ने बहुत सारा क्लेम किया हुआ है जबकि इंडस्ट्री के, के बेंच जो व तयन है उससे उसके मुताबिक उनको कम क्लेम करना चाहिए था अपना इनपुट जो हम चूँकि जी एस के मोड में है। अब इसमें ये बात तो कोई इंकशाफ नहीं है कि हमारे यहाँ जो कवरेज है सेल्स टैक्स की वो कम है पाकिस्तान में जितनी भी लाखों कंपनीज हैं अगर हम सिर्फ ये देखेंगे हमारे पास कमर्शल और इंडस्ट्रियल बिजली के बिल कितने रजिस्टर्ड हैं वो तकरीब चालीस लाख से ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है इतनी कमर्शियल एंटरप्राइजेज और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज तो मौजूद मौजूद हैं पाकिस्तान में उसमें से सेल्स टैक्स में दो ढाई लाख रजिस्टर्ड है और उसमें से जो देती हैं वो पचास हज़ार है तो बहुत कम है इसका जो रेशो है आ, अब ये कि इसमें एवेजन हो रही है उसमें गलत फाइलिंग हो रही है ये भी कोई नई बात नहीं है आ, और इसमें चूँकि एक लेकिन ये एक लीगल प्रोसेस है और आ, अगर हुकूमत या एफ के चेयरमैन ये पब्लिक फोरम पे आकर कह रहे हैं कि कंपनीज़ ने टैक्स फ्रॉड किया है तो हुकूमत को एक कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए और जो भी लॉ के प्रोविजन के मुताबिक एक कानूनी कार्रवाई बनती है उनको प्रोसीड करना चाहिए अगर उनके ख्याल में कंपनीज़ ने टैक्स फ्रॉड के मरतकब हुई हैं तो उनको कोर्ट में ले कर जाए या टैक्स ट्रिब्यूनल में जाए लेकर कर जाए जो भी कानूनी तरीका है वो उसमें आए लेकिन जो ब्रॉड पॉइंट है वो तो ये है ना कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सेल्स uh, टैक्स का निज़ाम में बहुत ख़राबियाँ हैं बहुत कॉम्प्लिकेशनस है फेडरल हुकूमत अपना एफ़ करती है प्रोविनशल हुकूमत की अपनी अथॉरटीज़ है हर महीने इनको मुख्तफ़ किस्म की आठ नौ किस्म की सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ती हैं फिर वो रेट्स भी फ़र्क है हर महीने आपके हर महीने करनी पड़ती हैं फिर रेट्स भी फ़र्क है फिर, फर्क है, फिर uh, यानी uh, इससे भी फ़र्क पड़ता है कि आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर से ले रहे हैं या रजिस्टर्ड सप्लायर से ले रहे हैं तो रेट्स की फ़र्क है आ, इम्पोर्ट के ऊपर और है एक्सपोर्ट लोकल सब जो परचीज़ हैं उनके ऊपर और है तो इतनी कॉम्प्लिकेशन हैं निज़ाम के अंदर कि एक तो इसको एक्सप्रोइड किया जा सकता है और दूसरा ये कि छोटी कंपनीज के पास इतना कैपेसिटी नहीं होती कि वो आ, सही तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करें या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर करें तो लिहाजा हमें एक सिंपलर यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वैट की तरफ जाना चाहिए जिसमें एक ही रेट हो चाहे वो लोकल सप्लाइज है या वो इम्पोर्टेड सप्लाई है एक ही रेट हो चाहे आप कराची में काम कर रहे हैं लाहौर में इस्लामाबाद में एक नेशनल यूनिफाइड सिस्टम होना चाहिए जिसके तहत जो आपका ड्यू सेल्स टैक्स है वो दें और सबसे बड़ी बात ये कि रेट को कम होना चाहिए इस भी ख़बर में एफ बी आर के चेयरमैन तो ये कहते हैं कि इफेक्टिव रेट तो तीन चार परसेंट है यानी जो 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 अगर आप इनपुट और आउटपुट के एडजस्टमेंट के बाद जो हुकूमत को बचता है तो इसमें चूँकि कवरेज बहुत कम है तो अगर हम इस कवरेज को ब्रॉड करें और अब सब सेक्टर को जिसमें फॉल करते हैं उसको लेके आए लेकिन साथ रेट्स को भी लो करें तो उससे मुझे उम्मीद है कि जो आ, ये जो एवेजन का मसला है वो भी एड्रेस होगा क्योंकि बर्डन जा रहा है इवन जो नॉन रजिस्टर्ड सेक्टर का भी बर्डन रजिस्टर्ड की बुरा रहता है जो फॉर्मल सेक्टर है, तो उसमें भी कमी होगी आ, तो ये ब्रॉडली तो हमें ये करना की ज़रूरत है लेकिन जाहिर है कि जो लॉ ऑफ लैंड है उसके मुताबिक हकूमत की जिम्मेदारी है कि वो आ, कानून के मुताबिक अपनी कार्रवाई करें स्ट्रक्चर है टैक्स सिस्टम का वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो दूसरे मुल्कों में भी जहाँ टैक्स जो बेस होती है वो काफ़ी वो नैरो नहीं होती काफ़ी ज्यादा होती है उधर भी इस तरह सिंप्लीफाई किया जाता है एक तो ये कि जी टैक्स वैट सिस्टम तो पूरी दुनिया में है और उसमें डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत तो होती है होती है तो अब ओवर दिनो यर्स अक्सर मुल्कों ने इस निज़ाम को एडोप्ट कर लिया हुआ है अपने लेकिन अ, उसकी एडोपशन में टाइम लगता है सारे कंपनीज को एक सॉफ्टवेयर को फॉलो करना पड़ता है कस्टमर्स को भी फॉलो करना पड़ता है तो पाकिस्तान में चूँकि थर्टी टू फोर्टी परसेंट इन्फॉर्मल सेक्टर है अनरजिस्टर्ड सेक्टर है जो बिज़नेस भी कर रहे हैं तो वो सेल्स टैक्स में नहीं है तो उनको साथ लाना उनको शामिल करना एक बहुत चैलेंजिंग काम है लेकिन बहुत सी इकोनॉमीज़ ने इसको आहिस्ता आहिस्ता डॉक्यूमेंट किया और इसका बेहतर तरीका यही होता है कि आप एक लो रेट से शुरू करें जैसे कि पाँच पर्सेंट आप पाँच परसेंट से शुरू करें और जब एक दफ़ा इंश्योर कर लें कि सब लोग इसमें इंटीग्रेट हो गए फिर देखेंगे क्या ज़रूरत है और उसके मुताबिक फिर आगे चलें फिर कुछ मुल्कों ने ऐसे भी किया है कि जहाँ पर इनकम टैक्स को ऊपर की कलेक्शन नहीं होती तो वो फिर एक हाई रेट ऑफ सेल्स टैक्स भी लगा सकते हैं लेकिन एटलीस्ट इनको शुरू में एक वो इंसेंटिव देना पड़ेगा आ, मगर उसका जो सबसे हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि बेस बहुत छोटी है तो इस बेस के साथ अगर ये रेट को कम करेंगे तो ऑबसली कलेक्शन भी जाएगी तो इन दोनों चीज़ों के साथ रख हमें एक तीन से पाँच साल के प्लान के पर काम करने की जरूरत है जिस तरह आपने बोला कि सिर्फ जो रजिस्टर्ड होते हैं उन्हीं के पास फिर उन पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा होता है कि आप और फाइल करें और उन पर सख्तियाँ लागू की जाती हैं तो अभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी कि जो गर्वत की शराह है पाकिस्तान में वो ज़्यादा हुई है इजाफा आया है उसमें चालीस अशारिया दो फ़ीसद से लेके अब चालीस अशारिया पाँच फ़ीसद हो चुकी है तो हमें ये नज़र आ रहा है कि वो जो आई एम एफ लो के कर्ज़े हमने लिए हैं पिछले बहुत सालों से कुछ सालों से उसका कोई फ़र्क नहीं आ रहा क्योंकि की शराब में ना कमी आ रही है ना वो ही रह रही है इजाफा ही आ रहा है तो जो आखिरी जो क्लेम किया जा रहा है कि आखिरी लोन है इसका कोई एक्सटर्नल पेमेंट वही पर हम रुक जाते हैं वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उस पर बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसमें दो चीज़ें बड़ी वाजे हैं उन्होंने दो मैसेज हैं पहला मैसेज ये कि पावर्टी रेट कंटिन्यू टू बी हाई अबाउट फोर्टी परसेंट एंड दूसरा हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ विल रिमेन स्लो टू पॉइंट फाइव एट परसेंट है जो कि हमारी आबादी के बढ़ने के तनासब तो के तकरीबन बराबर है थोड़ा सौ उससे ज़्यादा है तो हमारा यानी कि इतना भी ग्रोथ नहीं हो रही कि हम अपनी बढ़ती हुई आबादी के साथ इकानमी को आगे ग्रो कर सकें तीसरी बात वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में आई है कि हमें हर साल वन पॉइंट सिक्स मिलियन सोलह लाख जॉब्स क्रिएट करनी है इकानमी ने और आ, इस लो ग्रोथ के ऊपर शायद मुमकिन ना हो गए हम इतनी जॉब्स क्रिएट कर सकें और हमारा अनएम्प्लॉयमेंट नंबर बढ़ रहा है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट नंबर बढ़ रहा है हमारा जो डिपेंडेंसी है पॉपुलेशन में वो बढ़ रही है ऐसे नौजवान जो कि ग्रेजुएट हो रहे हैं उनकी इस वक्त एक पाइड की भी रिपोर्ट आई थी एक, एक साल पहले कि तकरीबन थर्टी परसेंट अनएम्प्लॉमेंट है सो आ, ये जकीन पावर्टी में एड और हो रहे हैं क्योंकि अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो फिर आप ऑबियसली पावर्टी में वो एड हो जाएंगे तो आ, ये आ, आ, बेसिकली हमारा जो इस वक्त इकनॉमिक डायरेक्शन है इकनॉमिक पॉलिसी डायरेक्शन है वो ग्रोथ की तरफ नहीं है हम आ, अभी भी उस ट्रैक में है कि जहाँ पर स्टेबलाइजेशन गवर्नमेंट बात करती है जहाँ पर हम आ, मैक्रो इकनॉमिक उसकी रिफॉर्म्स की बात करते हैं लेकिन ग्रोथ की बात नहीं करते ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि टैक्स पॉलिसी को बिल्कुल रिवैम्प किया जाए उस पर भी हम अभी बात नहीं कर रहे क्योंकि आई Uh, का जो फ्रेमवर्क है उसमें हुकूमत हकूमत समझती है कि वो टैक्स पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकती है टैक्स पॉलिसी रेट्स को चेंज नहीं कर सकती है इनफोर्समेंट के ऊपर उनका ज़्यादा दारदार होता है दूसरा ये हकूमत प्राइवेटाइजेशन के ऊपर भी खास एग्रेसिवली काम नहीं कर रही है वो डेड आगे जा रही है आ, तीसरा ये कि हमारा जो डोमेस्टिक सेविंग मोबलाइजेशन है इन टू द कमर्शल एंड प्राइवेट सेक्टर वो भी नहीं हो रही है क्योंकि सिक्सटी सेवेंटी परसेंट जो कर्जा है जो बैंकों के पास क्रेडिट अवेलेबल है वो गवर्नमेंट लेके जा रहे हैं तो स्पेस फॉर द प्राइवेट सेक्टर एंड द रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इज़ इंजन ऑफ ग्रोथ अब हुकूमत का एक रोल है रूल्स हैं रेगोलेशन हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स हैं जहाँ बरफेजल सिचुएशन अलाउ करे, लेकिन इवेंचुअली तो देखें हमारा जो एम्प्लॉयमेंट भी देख लें कि नाइन्टी फाइव परसेंट के, के करीब हमारा जो एम्प्लॉमेंट है जॉब मार्केट है वो प्राइवेट सेक्टर के पास है तो इसका मतलब है कि हमें उसको ज़रा स्पेस देनी है तो जब तक हम उसको ज़्यादा स्पेस नहीं देंगे आ, आ, तो उस वक्त तक हमारा ये जो तो पावर्टी का नंबर है वो कम नहीं होगा हम हमने ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स हमने इनकम सपोर्ट के नाम के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा ख़र्चा किया है आ, कैश ट्रांसफ़र्स कर रहे हैं हर साल हमारा वो नंबर बढ़ रहा है लेकिन उससे पावर्टी नंबर नीचे नहीं आ रहा पावर्टी नंबर तभी नीचे आएगा जब इकनॉमिक ग्रोथ ऊपर जाएगी और इकनॉमिक ग्रोथ का आपने दो बुनियादी वो लगेगा एक टैक्सीशन और दूसरा आपने बोला है प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन right. और मतलब में ऑफ डूइंग बिज़नेस भी पिछले दिनों जब जलसे हुए, हुए थे पीटीआई के तो जब है आ, कहा है कि बिलियन का उन दो रोज में लॉस हुआ हर रोज। दो रोज में बोला छ बिलियन टोटल लॉस हुआ था क्योंकि पिंडीबाद बंद किया गया था तो उन्होंने बोला बिजनेसिस क्योंकि शट डाउन थे लोग बैंक नहीं जा सके थे और काफ़ी ट्रांजेक्शनस का लॉस हुआ था काफ़ी ज़्यादा वो लॉस पढ़ के छः बिलियन हो गया था और अब जहाँ शंघाई ताउन तंजीम की बात हो रही है जो जहाँ अग, अगले हफ्ते है चौदह पंद्रह सोलह को उसमें गवर्नमेंट ने ये नोटिस जारी कर दिया है कि तीनों रोज़ इस्लाबाद और पिंडिंग में रेस्टोरेंट शादी हॉल सब कुछ बिजनेसिस जो हैं वो बंद किए जाएंगे आमदा आमदी की जाएगी तो अब गवर्नमेंट ये नहीं देख रही कि जो छः बिलियन का उस वक्त नुकसान हुआ था अब अगर नौ बिलियन का नुकसान होगा तो जो कुल होगा वो पंद्रह बिलियन तक तो हो गई कम अज कम उससे ज़्यादा भी हो सकता है जी एक तो ये कि हमारे यहाँ बिजनेस एक्टिविटी वैसे कम हुई हुई है और उसके अंदर जिसमें हम ग्रोथ की बात कर रहे थे ट्रांजेक्शन की बात कर रहे थे उसमें अब हकूमत के सामने ये चैलेंज है कि एक बड़े अरसे बाद हम कोई मेजर समिट होस्ट कर रहे हैं ये पाकिस्तान के लिए बड़े एज़ाज़ की बात है आ, और एस सी ओ एक इम्पोटेंट रीजनल डन है इसमें ग्लोबल यानी जो हमारी रीजनल लीडर्स आ रहे हैं बारह पंद्रह मुल्कों के लोग आ रहे हैं तो हुकूमत इसके मामले में ज़्यादा सेंसिटिव है इस वक्त और आज भी की ख़बर के मुताबिक जो बलोचिस्तान में हो रहा है और बाकी आ, खैबर में कुछ कुछ हो रहा है तो वो हालात को इतने अच्छे नहीं हैं तो हुकूमत मजबूर है कि इन चीज़ों को लॉकडाउन की तरह ले जाए लेकिन ये कि हमें मेरा ख़्याल है ज़्यादा बेहतर स्मार्टली सिक्योरिटी को मैनेज करना चाहिए और बिजनेस को चलाना चाहिए क्योंकि जो लोग बाहर से आते हैं इन्वेस्टर जो बाहर से आएगा वो लोकल इन्वेस्टर से बात करेगा हमेशा का और वो लोकल इन्वेस्टर से बात करके या उनका सेंटिमेंट ले कर ही आगे को इन्वेस्ट करता है मुल्क के अंदर चाहे वो मैनुफेक्चरिंग में है चाहे वो सर्विसज़ में है या वो एग्रीकल्चर में है तो अगर लोकल इन्वेस्टर का सेंटिमेंट पॉजिटिव ना हो या या उसको ये लगे कि इसमें का काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं तो फिर वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को भी नेगेटिव सिग्नल जाएगा तो लेट्स होप सो कि हम uh, एक तरफ तो हमारा जो सिक्योरिटी रिस्क है उनको कम कर सकें uh, बल्कि मैं सोच रहा था कि हम कहते तो बहुत हैं कि हमारा एक सिक्योरिटी स्टेट पैराडाइम है उसको चेंज होने की ज़रूरत है डेवलपमेंट स्टेट पैराडाइम में होना चाहिए लेकिन मैं सोच रहा था कि हम सिक्योरिटी स्टेट भी नहीं हैं क्योंकि अगर हम सिक्योरिटी स्टेट होते हैं तो हमें हर साल बीस पच्चीस हज़ार सिक्योरिटी ऑपरेशन करने की ज़रूरत ना पड़ती uh, तो uh, और हम उसको कंट्रोल करते हैं। वो भी नहीं हो रहा तो हम तो सिक्योरिटी स्टेट भी नहीं है हम एक इन सिक्योर स्टेट हैं तो बहुत ज़्यादा जब हम एम्फसाइज़ करते हैं तो इसकी वजह से हमारा जो फोकस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ वहाँ से हट जाता है और फिर ऐसे हालात में uh, मुमकिन है कि कुछ मुल्क कुछ स्ट्रेटिजिक नौीय के जिनसे ताल्लुक़ है Uh, जैसे सऊदी अरबिया जैसे सऊदी अरेबिया का बिजनेस डेलीगेशन यहाँ पर है बड़ा डेलीगेशन है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ख्वाहिशमंद है उन्होंने कुछ बात भी की है बात एम भी साइन कर रहे हैं वो तो करें लेकिन एक ब्रॉडली हम अट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे दुनिया के इन्वेस्टर्स को तो आपने सऊदी डेलीगेशन की बात की कि वो जो है वो अपने ख्वाहिशमंद अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए और उन्होंने बोला कि कोई छब्बीस एम वो करना चाहेंगे जिनकी उन्होंने वर्स बताई कोई दो बिलियन डॉलर से ज़्यादा तो ये यकीनी तौर पे हो सकता है उन्होंने पहले भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है सऊदी अरब जाना भी जाता है सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पार्टनर पाकिस्तान का कुछ कॉन्क्रीट उन्होंने दिया है कि वो कहाँ एम अपने प्लेस कर रहे हैं कहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स करना किस किन चीज़ों पे वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं मिनरल्स हैं कंस्ट्रक्शन है सीमेंट है, है, है कुछ उन्होंने इस तरह की बात की एक तो ये कि हिस्टोकली सऊदी अरबिया पाकिस्तान में लीडिंग इन्वेस्टर नहीं है हमें इस पर करेक्शन करने की ज़रूरत है आ, लीडिंग इन्वेस्टर्स अभी भी हमारे पास रिसेंटली जैसे चाइना है उससे पहले यू रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिनकी के यहाँ पर सिग्निफिकेंट एफ आती रही हैं मुख्तु शक्ल में और मौजूद हैं वो कैपिटल मौजूद है वो एसेट्स मौजूद हैं अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर चाइना से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है तो सऊदी अरबिया से है और बाकी हम गल्फ़ कंट्रीज से कुछ अरसे से कुछ सालों से बात तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक ये ट्रांसलेशन नहीं हुई है इन्वेस्टमेंट में अभी कुछ आज से कुछ महीने पहले सऊदी अरब की कंपनी ने हमारी ही एक लोकल ऑयल कंपनी में ऑयल मार्केटिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है और उसके शेयर्स ख़रीदे हैं ये यकीन है एक पॉजिटिव बात है लेकिन जिसको हम कह सकते हैं कि जी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स तो वो अभी तक नहीं हुए इसी तरह इन्होंने इंट्रस्ट इन, इन, इन जाहिर किया कि वो रेकोडेक में वो शेयर्स ले लें इस पर मेरा ख्याल है कि बात तकरीबन कंक्लूड हो गई है और वो उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जिन सेक्टर्स का ज़िक्र किया है और जो एम साइन हो चुके हैं अखबार के मुताबिक उसके अंदर ये वही प्रायोरिटी एरियाज़ हैं जो कुछ शर्स से पहले एस आई एफ सी ने भी किए थे इसमें आईटी है एग्रीकल्चर है माइन्ड मिनरल्स हैं तो इन सेक्टर्स के अंदर हमें ज़्यादा प्रियॉर्टीज़ नज़र आ रही हैं कॉपरेट फार्मिंग की बात हो रही है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात हो रही है तो लेकिन चूंकि ये फर्स्ट स्टेप है एम के साइन का आई आई डू होप कि ये अगले स्टेप में जाए यानी ये इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स में कन्वर्ट हो बायलेट्रल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ बने दोनों मुल्कों की आ, उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की तरफ से जो आ, 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 काम करने की ज़रूरत है वो है कि हमारे पास ऐसे कौन से रेडीमेड प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट हो सकती है देखिए कोई इन्वेस्टमेंट कोई कंट्री या कोई भी मुल्क जो है वो आ, सिर्फ प्रोमिस पे तो इन्वेस्ट नहीं कर सकता है वो तो एक बिज़नेस प्रोजेक्ट के हो या बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के अंदर इन्वेस्ट करेगा और वो जो अपरचुनिटी है वो प्रोजेक्ट है वो किसी न किसी फिजिबिलिटी में ज़ाहिर होनी चाहिए तो अभी अखबारों में जो रिपोर्ट है हो रहा है वो तो बहुत लिमिटेड है इसलिए अब भी कुछ कहना मुश्किल होगा कि किस हद तक ये ट्रांसलेट होगी अभी मैं एक तजिया पढ़ रहा था उसके मुताबिक कोई पच्चीस से तीस परसेंट ट्रांसलेशन होती है एम ओ यूज़ रियल इन्वेस्टमेंट वो चलें अगर पच्चीस तीस परसेंट भी हो तो पाँच सौ छः सौ मिलिय डॉलर की इन्वेस्टमेंट बन सकती है जिसका पोटेंशियल मुझे नज़र आता है तो प्रॉब्ली दो बिलियन डॉलर नहीं होंगे पाँच सौ मिलियन डॉलर होंगे लेकिन पाकिस्तान के लिए भी बहुत है और उम्मीद है कि इस तरफ हम जाएंगे सही तो आपको लगता है कि सऊदी अरब और अगर इसके बाद क्रेडिट रेटिंग्स में क्योंकि इम्प्रूवमेंट आई है तो इससे बाकी जो मुल्क ममालिक हैं वो भी आके इन्वेस्टमेंट करेंगे इस अपॉर्चुनिटी को देख के जी देखिए ये हमने बिल्कुल उम्मीद रखनी चाहिए जैसे मैंने कहा कि उस पर लेवल प्लेइंग फील्ड है जो की चीज़ है जो कि लेवल प्लेइंग फील्ड है और दूसरी चीज़ है वो टैक्स पॉलिसी की स्टेबिलिटी या प्रडिक्टबिलिटी है तो जितना हम इसके अंदर चेंजेस लेके आते हैं अपनी ये इस रूल्स एंड रेगुलेशन में टैक्स पॉलिसी में उतना ही नेगेटिव सिग्नल जाता है इन, इन इन इन्वेस्टर्स को और ख़ास तौर पर अगर आप देखें कि अमेरिकन या यूरोपियन इन्वेस्टर्स को तो बड़े सेंसिटिव होते हैं इस मामले में और वो बिजनेस प्रोपोजिशन को देखें कि ज़ाहिर है वो चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो गल्फ़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो वियतनाम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टर्की में कर रहे हैं या मलेशिया में कर रहे हैं तो उनके लिए तो बेंच कंट्रीज़ ये हैं तो अगर हम अपने आप को गेयरअप नहीं करेंगे इन मुल्कों के मुताबिक जिन्होंने अपने बिज़नेस इन्वामेंट को बहुत बेहतर बनाया है वह तो ये तो जब तक हम ये एक्सपेक्ट ना करेंगे इन मुल्कों से भी था एक इन्वेस्टमेंट आएगी सही तो मतलब ये सारी चीज़ें जो है सेमी डेवलपमेंट जो है बिजनेस फैसिलिटेशन जो है इन्वेस्टमेंट्स जो हैं डेवलपमेंट ग्रोथ पॉवर्टी रिडक्शन जो है ये सब कुछ कुछली होनी चाहिए जी जी उसके आप देखेंकनॉमिक ग्रोथ के साथ ही सारी चीज़ें मुंसलिक हैं सही तो आपको सर कोई अंदाज़ा है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट्स शुरू होती हैं तो पाकिस्तान की आप कुछ बता सकते हैं कि अभी कंडीशंस देख के अगले दो तीन सालों में आईएमएफ प्रोग्राम भी उस वक्त तक कंक्लूजन कंक्लूड हो रहा होगा तो उस वक्त क्या आपको लगता है सूरत हाल होगी पाकिस्तान की डेवलपमेंट सेक्टर की और इकनॉमिक ग्रोथ की बहुत मुश्किल सवाल है इकानिस्ट आर नॉट गुड इन प्रोडिक्शन प्रशन नहीं करनी चाहिए Uh, हम तो एक थ्योराइज कर सकते हैं चीज़ों के uh, कि uh, हालात की रोशनी में डेटा की रोशनी में या जो ट्रेंड्स हैं उनकी रोशनी में uh, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि अब यूनिवर्सली है टनॉमिक डेवलपमेंट के लिए तो जिन मुल्कों ने तरक्की की है उन मुल्कों ने uh, इन चीज़ों को बेहतर बना गर, जिन तरह हमने पहले बात की है टैक्स पॉलिसी की बात की है रेगुलेशंस की बात की है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात uh, है इनको इम्प्रूव करके ही तरक्की की है इसके अलावा कोई शॉर्टकट तो नहीं है और अगर हम समझते हैं कि इनका शॉर्टकट मौजूद है जैसे हम मुख्त इदारे बना रहे हैं या हमने एक सुपर इंस्टीट्यूशन एक बना दिया एक सुपर स्ट्रक्चर बना दिया एस आई एफ सी के नाम के ऊपर तो वो मुमकिन है कि कुछ ट्रांजेक्शनस की हद तक हमें हेल्प मिल जाती है तभी इश्तहार भी चल रहा था उसमें सऊदी मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि आ, पाकिस्तान में जो रेड टेप है वो उसका जो सोलूशन है वो एस आई एफ़ सी है सही। तो ये एक तरह से ये कोई इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट नहीं है इसका इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास कोई सिस्टमेटिक सोल्यूशन तो नहीं है रेड टेप का और दूसरा ये रेड टेप तो अब तो इसका जिक्र करना इस तरह अपने इश्तहार में ये तो एक तरह से कन्फेशन है कि, हमें है कि है है। हम ये एतराफ़ कर रहे हैं कि हमारा सिस्टम रेड टेप है और ऊपर से हम उसको प्रजेंट कर रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए देखें जी हमने रेड टेप पी है और फिर ये कह रहे हैं कि रेड टेप का सोलूशन है

आ, और वो फिर बिजनेस की साइड से भी उनको ऐसे ही पार्टनर्स की तलाश रहती है जो उनको हेल्प आउट तो इस लिहाज से ये काफ़ी मुश्किल मामला है आ, इन बिजनेस इन्वामेंट को थोड़ी रिफॉर्म करना अब देखते हैं कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट के इदारे हैं वो कितना कामयाबी हासिल करते हैं सर सर ख़त्म करने से पहले मैं आपसे पूछूंगी कि कोई आप ऐसे मुल्क की मिसाल दे सकते हैं जिसका मॉडल जो था वो पाकिस्तान की तरह अभी वाली जो सूरत हाल है उस तरह है लेकिन उन्होंने फिर कुछ वही जिस तरह आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स की टैक्सेशन रिफॉर्म्स करके वो अब इस जगह पहुंच चुके हैं कि वो डेवलपमेंट और ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं hmm. अभी जो मोस्ट रिसेंट एग्जांपल जो मैं जो मेरा फेवरेट एग्जांपल है आजकल वो इंडोनेशिया की है इंडोनेशिया बड़ा मुल्क है आ, मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से पहले नंबर पर आता है और हमारी तरह उनका नाइन्टी सेवन मुसलमान पॉपुलेशन और हमसे मुश्किल बहुत मुश्किल जोग्राफ़ी है उनकी पाकिस्तान तो एक लैंड मैस है इंडोनेशिया सत्रह हज़ार जजायर हैं और फैला हुआ है आपके जहन में हो गए मैप कहाँ से कहाँ तक वो फैला हुआ है ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ है तो ऐसे मुल्क में उन्होंने और, और उसी उसकी हमारी तरह मिलिट्री हिस्ट्री बड़ी स्ट्रॉग स्वीकार उसके बाद लेकिन उन्होंने पोलटिकल रिफॉर्म्स का सफर सफर शुरू किया पोलिटिकल फाउंडेशन मजबूत कि पोलिटिकल पार्टीज़ मजबूत कि और उससे भी पहले बल्कि एक स्टेप बड़ा ज़रूरी है वो ये कि उनके यहाँ सिविल सोसाइटी मूवमेंट बहुत स्ट्रांग रही हैं और उसके अंदर इवन जो इस्लामिक इंस्पिरेशन है वो भी उनको बहुत ज़्यादा रही है वहाँ पर मोहम्मदिया और नतम के आ, नाम से दो बड़ी मूवमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं जो सोशल मूवमेंट्स हैं मगर ये पॉलिटिकल प्रोसेस फिर इवेंचुअली वो इकोनॉमिक प्रोसेस में कन्वर्ट हुआ और वो एक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का सफ़र आया और उसमें उन्होंने जो मेजर स्टेप लिया वे कि पहले ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स बिज़नेस के वो एक ख़ास अपनी इलीट को देते थे, थे जिसमें कि बहुत ज़्यादा नैपोटिज़म था इंडोनेशिया और मलेशिया खासतौर पर इंडोनेशिया के बारे में मशहूर है कि बहुत ज़्यादा करप्शन रही है इन सोसाइटीज़ में और जो खासतौर पर डिक्टोरियल या रजीम्स या अथोटेरियन अथॉरिटेरियन रजीम्स रही हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा नपोटम किया इंडोनेशिया में भी ये बहुत मसला रहा है लेकिन अब उसको उन्होंने रिफॉर्म किया लॉज को रिफॉर्म किया है, है पोलिटिकल कल्चर उसमें चेंजेज आ गई हैं बड़ी पॉजिटिव तो पिछले आठ दस सालों में उनका जो बड़ा हाई ग्रोथ रेट चल रहा है पाँच हज़ार डॉलर से ज़्यादा उनकी इनकम हो गई है पर कैपिटा और ग्रोथ रेट भी बड़ा अच्छा पाँच छः परसेंट से ज़्यादा ग्रोथ रेट है और फिर ये कि उनकी जो, उन, जो उनके यहाँ भी नेचुरल रिसोस बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान की तरह लेकिन पाकिस्तान ने तो इसको ज़रा क्लोज़ किया उन्होंने इसको ओपन किया और उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर्स को कहा कि आप आए इन्वेस्टमेंट करें ख़ुद भी पैसे कमाएं हमें भी, भी पैसे दें तो हमने तो ख़ुद पैसे कमाने हैं ऑफिशियली अनऑफिशली तो हम बहुत कमाते हैं ना ही हमने दूसरों कमाने का मौका दे, देना है तो फिर ना इन्वेस्टमेंट होगी ना वेल्थ क्रिएशन होगी ना जॉब क्रिएशन होगी बल्कि सिर्फ रेंट चेकिंग होगी अच्छा जहाँ इन्वेस्टमेंट की बात होती है हमारी हुकूमत ज़्यादातर तो कहती है कि सिक्योरिटी रिस्क बहुत हैं ओपन करने के लिए मार्केट जी 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 जो बलोचिस्तान का मसला है वो यही है कि हम अब समझ रहे हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है तो इसलिए उसको ओपन ना किया जाए या अगर ओपन करते हैं तो बहुत ज़्यादा उसको नहीं एक uh, सिक्योरिटाइज करके कर कर उसको वो कर रहे हैं जिसका नतीजा हमारे लिए अच्छा नहीं निकल रहा तो आपका भी ये ही है कि आपकी भी यही सजेशन है कि ओपन कर दिया जाए जी ओपन रखना चाहिए सही जिस तरह इंडोनेशिया ने आपने कहा किया था उन्होंने पोलटिकल सिविल सोसाइटी रिफॉर्म्स के बाद पोलिटिकल सोसाइटी पोलिटिकल सोसाइटी में भी उन्होंने रिफॉर्म्स आए फिर पार्टीज़ में आया और उसके साथ ट्रांसलेट हो गई इकनोमिक ग्रोथ में आया बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली सलमान आपका नाजरीन ये था कि आई वी पीज़ के कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने से टेक एंड पे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने से ये तो हो सकता है कि पाकिस्तान को किारफिन को और जो हमारे मुल्की ख़जाना है उसको बचत मिले लेकिन यह अभी देखा जाएगा कि ये किस तरीके से आगे एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स लिए जाते हैं उम्मीद ये ही है कि पाकिस्तान में ये जो अभी इन्वेस्टमेंट्स की जा रही हैं सऊदी अरब की तरफ से और शायद और भी एस यू की एस सी ओ की वजह से और भी अगर ममालिक आते हैं ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तो वो भी देखा जाएगा बहुत शुक्रिया आपका